Next question. Question says a beam of protons with speed 4 into 10 to the power 5 meter per second enters a uniform magnetic field of 0.3 tesla. ऐट एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री टू द मैगनेटिक फील्ड द पिच ऑफ द रिजल्टिंग हेलिकल पाथ ऑफ प्रोटोन इज क्लोज टू और हमें दिया हुआ है मास ऑफ प्रोटोन इज वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टू द पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी चार्ज हम ये ले सकते हैं वन पॉइंट सिक्स नाइन इंटू टू दावर माइनस नाइनटीन कोलम और हमारे ऑप्शन है दो चार पाँच या बारह सेंटीमीटर क्या पिच आएगी देखो अब सवाल बड़ा सिंपल है थ्योरी में इसको हम पढ़ते हैं जो अपनी पिच होती है और मैं हमेशा ही कहता है हूं कि आपको फॉर्मूले एग्जाम से पहले बिल्कुल याद होने चाहिए द इज़ नो एक्सक्यूज़ कि आपको फॉमूला याद क्यों नहीं है हालांकि सो so, यहाँ पे जो आपकी पिच होती है उसको हम ये कहते हैं ये अगर आपका हेलिकल पाथ है तो ये दो इन चीज़ों के बीच का जो डिफरेंस आता है दिस इज कॉल्ड पिच और इस पिच का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं टू पाई एम वी कॉस सीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा टू पाई एम बीज ऑल इट सो बस इसमें वैल्यू रख के अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा सो ये आ गया आपका टू मल्टीप्लाइड बाई पाई इज थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाइड बाई एम एम या दिया हुआ है अपने को वन पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन वी हो गया फोर इंटू टेन टू द पावर फाइव ये दिया है ना वी हाँ ऑलाइट और कॉस्टा हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाय क्यू बी क्यू अपने को यहाँ पे दिया हुआ है टू पावर माइनस नाइनटीन एक मिनट कुछ गड़बड़ किया हमने मास uh, जो है मास ऑलरेडी ये वन पॉइंट सिक्स सेवन टेन टू पावर ट्वेंटी सेवन है right, अभी गड़बड़ हुआ था राइट मल्टीप्लाइड बाय बी बी अपने को दे रखा है पॉइंट थ्री नाउ नाव 60 सिक्सटी बात अपने को पता है इस कॉ सिक्सटी को हम वन बाय टू लिख सकते हैं ना uh, अब इसमें uh, देखो कैलकुलेशन है एग्जाम हॉल में हमें थोड़ी सी जल्दी uh, और रिज़ल्ट देखना होएगा और चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो डेसिमल्स में नहीं है और बहुत आसपास नहीं है तो हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं अंदाज़ा ये है कि अगर 3.14 और 1.67 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू लगभग वही आएगी जो वन और थ्री को मल्टीप्लाई करके आएगी सो so, इसको आप सेफ़ली कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं अलेट right, uh, इसकी जो वैल्यू देखेंगे सो so, ऊपर अपना बचाइए फ़ोर मल्टीप्लाइड बाय ये बचा आपका टेन अच्छा इसका नीचे जो है पॉइंट थ्री इसका टेन टू दी पावर माइनस वन यहाँ बचेगा हालाइट ये टेन टू द पावर ट्वेंटी सेवन है फाइव ये बचा टेन टू दि पावर माइनस ट्वेंटी टू और नाइनटीन आके माइनस थ्री बच जाएगा टेन टू दि पावर माइनस थ्री यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आ गया फोर इंटू टेन टू दि पॉवर माइनस टू मीटर और इसको आप फोर सेंटीमीटर भी कह सकते हैं तो ऑप्शन नंबर टू फोर सेंटीमीटर वुड बी द राइट आंसर एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना कि ऑप्शन नंबर टू इज़ फोर ऑप्शन नंबर फोर इज़ टू तो अपना आंसर फोर सेंटीमीटर है कुछ लोग जल्दबाजी में वहाँ पे फोर 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 सोच के ऑप्शन फोर मार्क कर देते हैं योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू फोर सेंटीमीटर